Please hit the subscribe button and press the bell icon for more videos. Hello everyone, मेरा नाम आसिफ है. तो आज हम देखेंगे कैसे टिक-टैक-टो प्रॉब्लम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सॉल्व किया जाता है. तो इसके लिए हमको एक फंक्शन की जरूरत है, उसको हम ह्यूरिस्टिक फंक्शन बोलते हैं. तो हम कैसे ह्यूरिस्टिक वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो इसके लिए एक रूल्स है जिसको हमको फॉलो करना पड़ेगा. तो यहाँ पर रूल्स है कि चांसेस ऑफ एक्स फॉर विनिंग माइनस चांसेस ऑफ ओ फॉर विनिंग. तो हम लोग सभी जानते हैं कि टिकटॉक टो में हमको एक्स और जीरो से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ता है. तो असल में इस रूल्स हमको बोल रही है कि कितनी तरीके से एक्स को विन किया जा सकता है एक स्टेट से, उसको हमको कितने तरीके से जीरो को विन किया जा सकता है एक स्टेट से, उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. तो अगर हम एग्जांपल देंगे तो ये लाइन हमको और भी क्लियर हो जाएगा. सो ऑब्वियसली आप इसको याद रखिए कि हमको क्या करना पड़ेगा, एक्स की चांसेस ऑफ विनिंग से हमको ओ की चांसेस ऑफ विनिंग को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. तो ये हम बाद में देखेंगे. और एक चीज़ हमको याद रखना है कि हम लोग ई से इस ह्यूरिस्टिक वैल्यू को डिनोट कर रही है, एंड अगर हमारी ई की वैल्यू जीरो हो गई दैट मीन्स दैट स्टेट विल बी कंसिडर्ड एज ड्रॉ स्टेट. और अगर हमारी ई की वैल्यू वन हो गई तो हमको समझने पड़ेगा वो स्टेट हमारे लिए विन स्टेट होगा. तो हमारी क्वेश्चन में जो स्टेट दिया हुआ है तो वो ये स्टेट है. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तीन स्टेट ऐसा है कि हम लोग यहाँ पे एक्स और जीरो बैठा सकते हैं. पहले हम कंसीडर करेंगे एक्स का टर्न. तो पहले हमको किसको बिठाना है, हमको एक्स को बिठाना है. तो अगर हम एक्स को इन तीन प्लेस पे बैठाए तो क्या क्या स्टेट हो सकती है इन स्टेट से. सो अगर हम एक्स को दिस प्लेस पे बैठाए तो हमारी स्टेट होगी लाइक दिस. अगर हम एक्स को कोने पे बैठाए तो हमारी स्टेट होगी लाइक दिस. एंड अगर हम एक्स को यहाँ पे बैठाए तो हमारी स्टेट होगी लाइक दिस. तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, इस सभी स्टेट के लिए हमको ह्यूरिस्टिक वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो हमको ह्यूरिस्टिक वैल्यू कैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो हम रूल्स तो जानते ही है. तो उस रूल्स को अप्लाई करके हम ह्यूरिस्टिक वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. तो अगर हम इस स्टेट को देखें तो यहाँ पे एक्स का विन होने का चांसेस कितना है. अगर हम देखें, अगर हम एक्स यहाँ पे बैठाए और एक्स यहाँ पे बैठाए तो हम देख सकते हैं कि एक्स दो तरह से विन हो सकते हैं, जैसे डायगोनल और हॉरिजॉन्टल. सो एक्स की विनिंग ऑफ चांसेस है फ्रॉम दिस स्टेट इज टू. सो दैट इज व्हाई वी हैव रिटन हियर टू. सिमिलरली अगर हम जीरो को यहाँ पे बैठाए यहाँ पे और यहाँ पे, तो जीरो कौन कौन तरीके से विन हो सकती है. सो हम लोग देख सकते हैं कि अगर हम जीरो को बैठाए तो जीरो किसी भी तरह से विन हो नहीं सकती है इन स्टेट से. सो दैट इज व्हाई वी हैव रिटन हियर जीरो. सो टू माइनस जीरो इक्वल्स टू टू. तो ह्यूरिस्टिक वैल्यू हमारी इन स्टेट के लिए आया है टू. तो सिमिलरली हमको इस स्टेट के लिए भी ह्यूरिस्टिक वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो कैलकुलेशन कैसे होती है, तो हम पहले क्या करेंगे, एक्स को बिठा देंगे यहाँ पे. तो एक्स को बिठाने के बाद हम चेक करेंगे एक्स कौन कौन सी तरीके से विन हो सकती है. तो हम अगर एक्स को यहाँ पे बैठाए तो एक्स डायगोनली विन हो सकती है, और अगर हम एक्स को यहाँ पे बैठाए तो एक्स हॉरिजॉन्टली विन हो सकती है. लेकिन अगर हम जीरो बैठाए इन दो प्लेस पर, तो हम देख सकते हैं कि जीरो भी वर्टिकली विन हो सकती है एक स्टेट के लिए. तो एक्स की वैल्यू कितना आया टू, एंड जीरो की वैल्यू कितना आया वन. सो टू माइनस वन इक्वल्स टू वन. सो आई होप दिस इज क्लियर फ्रॉम दिस स्टेट. सो इन स्टेट का ह्यूरिस्टिक वैल्यू क्या होगा, वन. सिमिलरली अगर हम इन स्टेट पे ह्यूरिस्टिक वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं तो कैसे कैलकुलेट करेंगे. अगर हम एक्स बैठाए यहाँ पे तो एक्स का विन होने का चांसेस कितना है, यहाँ पे एक्स विन हो सकती है डायगोनली, सिमिलरली हॉरिजॉन्टली एक्स विन हो सकती है. सो एक्स की विन होने का चांसेस है दो, इसलिए हम यहाँ पे दो लिखी है. अगर हम जीरो बैठाए यहाँ पे और यहाँ पे, तो देख सकते हैं कि जीरो की विन होने का चांसेस नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पे जीरो बैठाए. तो इन स्टेट के लिए हमारी ह्यूरिस्टिक वैल्यू क्या आया, दो आया. सो एक्स का टर्न तो खत्म हो गया, तो हमको अब कौन सी टर्न यूज करना है, हमको अब जीरो का टर्न यूज करना है. तो अगर हम जीरो की टर्न यूज करते हैं तो हम देख सकते हैं यहाँ पे दो प्लेस ऐसा है जिनमें हम जीरो बैठा सकते हैं. तो अगर इन दो प्लेस में अलग अलग करके हम लोग जीरो बैठाए तो हमारी इन दो पोजिशंस हो सकती है. दैट मीन्स अगर हम यहाँ पे जीरो बैठाए तो हमारी ई स्टेट आ सकती है, अगर हम यहाँ पे जीरो बैठाए तो हमारी ई स्टेट आ सकती है. सिमिलरली इन स्टेट के लिए भी हम दो पोजीशन देख सकते हैं, वो खाली है. एंड अगर हम इन दो प्लेस पे जीरो बैठाए तो हमारी
दो स्टेट ऐसे ऐसे आएंगे. सिमिलरली दिस स्टेट के लिए भी दो स्टेट ऐसे ऐसे आएंगे. सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टैंड दोस स्टेट्स. सो अब हमको क्या करना पड़ेगा, हमको इस सभी स्टेट के लिए ह्यूरिस्टिक वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा सिमिलर तरीके से. सो अगर हम इन स्टेट के लिए ह्यूरिस्टिक वैल्यू कैलकुलेट करें तो क्या होगा हमारा ह्यूरिस्टिक वैल्यू, यहाँ पे हम देख सकते हैं एक्स की विनिंग ऑफ चांसेस एक भी नहीं है, क्योंकि अगर आप एक्स यहाँ पे बैठा दे तो एक्स किसी भी तरह से यहाँ से विन नहीं हो सकती. सिमिलरली अगर आप जीरो यहाँ पे बैठा दे तो जीरो भी किसी भी तरह से विन नहीं हो सकती. सो इसीलिए हमको दोनों वैल्यू ही क्या होगा, जीरो जीरो होगा. दैट मीन्स जीरो माइनस जीरो कॉस टू जीरो ही होगा इसका ह्यूरिस्टिक वैल्यू. तो अगर हम इस स्टेट को देखें, यहाँ पे अगर हम एक्स यहाँ पे बैठा दे तो एक्स का जीतने का चांसेस एक हो गया, लेकिन अगर हम जीरो यहाँ पे बैठा दे तो जीरो का जीतने का चांसेस नहीं है. सो एक्स के विन के चांसेस वन है तो इसलिए हम यहाँ पे वन लिखी है, एंड जीरो का जीतने का चांसेस एक भी नहीं है तो यहाँ पे हम जीरो लिखी है. तो वन माइनस जीरो इक्वल टू वन. सिमिलरली इस स्टेट से भी हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, इस स्टेट से भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, एंड इस स्टेट से भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, एंड इस स्टेट से भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, इन सभी का ह्यूरिस्टिक वैल्यू. अब कैलकुलेशन के बाद हम लोग देख सकते हैं कि फोर ऐसा स्टेट आया जिनकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू हमें ज़ीरो मिला. तो पहले हम लोग देख चुके हैं जिनकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू हमको ज़ीरो मिलेगी वो है ड्रॉ स्टेट. सो हम लोग देख सकते हैं कि इस स्टेट की वैल्यू जीरो मिला है, इस स्टेट की वैल्यू जीरो मिला है, इस स्टेट की वैल्यू जीरो मिला है, इस स्टेट की वैल्यू जीरो मिला है. तो फिर इस स्टेट को हम लोग क्या कर सकते हैं, ड्रॉ स्टेट बोल सकते हैं. इसलिए हम यहाँ पर डी लिख दिया, इस स्टेट को भी हम ड्रॉ स्टेट बोल सकते हैं. सो इस स्टेट को भी हम ड्रॉ डी लिख दिया, क्योंकि देखिए अगर आप यहाँ पे जीरो भी बैठाए तो जीरो का विनिंग चांसेस ऑफ विनिंग नहीं है. सिमिलरली अगर आप एक्स भी बैठाए तो एक्स का भी चांसेस ऑफ विनिंग नहीं है. सिमिलरली यहाँ पर भी अगर आप एक्स बैठाए तो एक्स का भी चांसेस ऑफ विनिंग नहीं है, और अगर आप जीरो बैठाए तो जीरो का भी चांसेस ऑफ विनिंग नहीं है. तो हम देख सकते हैं इन दो स्टेट के लिए हम लोग कोई भी वैल्यू बैठाए लेकिन इन दो स्टेट से हमको विनिंग स्टेट नहीं मिलेगा. दैट मीन्स दीज स्टेट्स आर आवर ड्रॉ स्टेट. लेकिन अगर आप इन दो स्टेट को देखें कि अगर आप यहाँ पे जीरो बैठाए तो आप वर्टिकली विन हो सकती हो, अगर आप यहाँ पे एक्स बैठाए तो आप हॉरिजॉन्टली विन हो सकते हो. सिमिलरली अगर आप यहाँ पे जीरो बैठाए तो आप वर्टिकली विन हो सकते हो, एंड सिमिलरली अगर आप यहाँ पे एक्स बैठाए और क्रॉस बैठाए तो आप डायगोनली विन हो सकती हो. तो इसीलिए इन दो स्टेट को हम ड्रॉ स्टेट कैलकुलेशन नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम कोई भी एक वैल्यू बैठा है यहाँ पे तो हम देख सकते हैं कि हमारी जीतने का चांसेस है, लेकिन इन स्टेट के लिए और इन स्टेट के लिए हमारे जीतने का चांसेस बिल्कुल नहीं है. सो इसीलिए हम इन दो स्टेट को ड्रॉ स्टेट कर देंगे और इन स्टेट से हमको आगे बढ़ना है. तो इन फोर स्टेट्स के लिए हमको आगे कैलकुलेशन करना है. तो इन स्टेट्स के लिए हम लोग किसका कैलकुलेशन किया था, जीरो का कैलकुलेशन किया. तो अब हमको किसका कैलकुलेशन करना होगा, एक्स का कैलकुलेशन करना होगा. तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे एक ही प्लेस है तो हमको एक्स को कौन सा प्लेस में स्टोर करना पड़ेगा, दिस प्लेस में. सो अगर हम एक्स को इन प्लेस में स्टोर कर दिया तो हमारी स्टेट कुछ इस तरह से आ गया. सिमिलरली अगर हम एक्स को यहाँ पे बैठा दिया तो हमारी स्टेट ऐसे आएगा. सिमिलरली हम अगर एक्स को यहाँ पे बैठा दिया तो स्टेट ऐसे आएगा, और अगर हम एक्स को यहाँ पे बैठाया तो स्टेट ऐसे आएगा. तो हम देख सकते हैं कि इन स्टेट से एक्स हमारी डायगोनली विन हो गया, इस स्टेट से एक्स हमारी हॉरिजॉन्टली विन हो गया, इन स्टेट से एक्स हमारी डायगोनली विन हो गया, और इस स्टेट से एक्स हमारी हॉरिजॉन्टली विन हो गया. दैट मीन्स इन चारों स्टेट के लिए एक्स विन हो सकती है. तो यहाँ पे ह्यूरिस्टिक वैल्यू क्या आएगा, अगर हम कैलकुलेट करते हैं ई की वैल्यू तो हम देख सकते हैं एक्स का चांसेस ऑफ विनिंग क्या है, वन है, लेकिन जीरो का चांसेस ऑफ विनिंग क्या है, जीरो है. सो वन माइनस जीरो का कितना आएगा, वन ही आएगा. सिमिलरली अगर आप इन तीनों स्टेट के लिए ह्यूरिस्टिक वैल्यू कैलकुलेट करते हैं सभी के लिए ई का वैल्यू वन ही आएगा. और हम पहले ही देख चुके हैं कि अगर ई का वैल्यू वन है तो उन सब स्टेट हमको क्या कंसिडर करना पड़ेगा, विन स्टेट कंसिडर करना पड़ेगा. तो यही सब है हमारी विन स्टेट. अगर यहाँ पे आपको कोई और एक क्वेश्चन आस्क किया जा सकती है वो है
कि इन स्टेट के बाद कौन सा स्टेट ऐसा है जिसमें अगर हम लोग जाए तो हमारी विनिंग का चांसेस ज़्यादा है। तो आप देख सकते हैं कि इन स्टेट और इन स्टेट के लिए आपका विनिंग के चांसेस है 50%। दैट मीन्स आप 50% ऐसा संभावना है कि आप जीत सकते हैं। देखिए यहाँ पे आप एक तरफ से जीती है और एक तरफ ड्रॉ हो चुकी है। सिमिलरली आप इस स्टेट के लिए भी देख सकते हैं, एक तरफ आप विन हुई है एंड दूसरी तरफ आप ड्रॉ कर दिया। सो अगर आपको पूछा जाए कि इन स्टेट के बाद आप कौन सी प्लेस में एक्स को बैठाएंगे जिनके लिए आप 100% श्योर कि आप विन होगी, तो आप कौन से स्टेट की बात करेंगे? इन स्टेट की बात करेंगे, क्योंकि आप देखिए आप एक्स यहाँ पे बैठाया तो इसलिए आपके विनिंग के चांसेस 100% हो गया। देखिए आप इन दो स्टेट से ही विन कर सकती हो, तो आप देख सकते हैं कि इन स्टेट के लिए आप 100% चांसेस है कि आप विन हो सकती हो। सो यही था टिकटॉक प्रॉब्लम इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है और आपको पसंद आया होगा। तो अगर आप कुछ सीखे इन वीडियो से और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा एंड ऑल्सो मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।